अलैकुम, मेरा नाम हनाया निसार है। मैं इंटरनेशनल स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। मुझे रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैंने गेम स्टार्ट करी थी कि मुझे कभी ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलेगा, और आउट ऑफ 11 में से मैं एक हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी बेसिकली मैं थर्ड क्लास में थी जब मेरी कोच मीर सलमा रशीद, उनका नाम है, जो हमारे स्कूल एज अ फिजिकल टीचर आई थी, तब मैं उस दिन तक शायद मैंने मार्शल आर्ट का नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि इतना कुछ कभी देखा भी नहीं, कभी टीवी पर भी नहीं देखा, कभी किसी और ने भी नहीं बोला। डर लगता था जब भी सुना होगा, लेकिन मैम आए स्कूल में, उनने पंचिंग सिखाई, किकिंग सिखाई। पहले पहले बोर होते थे और ऐसा लगता था कि अरे हमें लग सकती है, नहीं हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन मैम की उस डेडिकेशन और हार्डवर्क ने मुझे इस लेवल तक पहुंचाया कि जब मैंने पहला कैंप अटेंड करा और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, बहुत रोया था मैंने। तो सिंस देन मैंने गेम को अपना पैशन बनाया और अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। जी अभी तक मेरे 16 गोल्ड मेडल है और 2 सिल्वर है और मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने अपनी स्टेट को काफ़ी स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया है, जैसे दिल्ली में किया है, हरियाणा में किया है, भोपाल में किया है, गोवा में किया है, और इसके अलावा मैंने इंडिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करा है। एक तो थर्ड वर्ल्ड स्क्वेयर चैंपियनशिप जो कि हमारी हुई थी चिंगजू साउथ कोरिया में, जहाँ मेरा गोल्ड मेडल था, और इसके अलावा ट्राई नेशन स्क्वेयर चैंपियनशिप हमारी हुई थी नेपाल में 2018 में, वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था। और कल ही मैं 7th साउथ एशियन स्क्वेयर चैंपियनशिप कंक्लूड करके आई हूँ घर, वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल था, जो अगेन नेपाल में हुई थी। जी मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, शायद मैं वो पहला कैंप ही अटेंड नहीं कर पाती जब मैं थर्ड क्लास में थी। मैं बहुत छोटी थी तब भी मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि थर्ड क्लास की बच्ची को उनने घर से 7 दिनों के लिए जाने दिया, और उनका ही सपोर्ट है, उनकी डेडिकेशन है, जो मैं अभी तक इस गेम में कंटिन्यू कर पा रही हूँ, अपने टूर्नामेंट्स अटेंड कर पा रही हूँ, मुझे कभी भी नहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल। जी सिर्फ एक लड़की को नहीं रोका जाता है, मैंने यूजुअली देखा है कि जब हम स्पोर्ट्स या पढ़ाई अकेडमिक्स को छोड़कर किसी और फील्ड में देखते हैं तो पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कुछ ऐसी जॉब करे, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनको, अपने बच्चों को जाने नहीं देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना और मेरी रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से यही रहेगी कि उनके बच्चे ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, उनमें से कोई बेस्ट क्रिकेटर बन सकता है, विराट कोहली की जगह हो सकता है, कोई बेस्ट फुटबॉलर बन सकता है, कोई बेस्ट सिंगर बन सकता है, जो भी जिसका भी जिसमें भी एम है, गोल है, जो भी उसका टैलेंट है, उसको उसमें सपोर्ट करे, उसमें उसको आगे जाने दे, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। जी ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, लड़कों को छोड़कर लड़कियां भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, वो भी ड्रग यूज, वो मतलब नशा करती हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि इससे उनको क्या मिलेगा। बेसिकली उनको भी पता है कि जब वो स्मोकिंग करेंगे, कुछ और बुरी बुरी चीज़ें अपनी बॉडी के साथ करेंगे, तो उनको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स फील्ड में वो जितना जाएंगे, ज़रूरी नहीं है वो इसको एज अ पैशन फॉलो करें, बट खुद को, खुद की मेंटल हेल्थ और खुद की फिजिकल फिटनेस को कंटिन्यू करने के लिए वो स्पोर्ट्स कंटिन्यू करें। स्पोर्ट्स में आए, रोज क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, जो भी स्पोर्ट्स उनको पसंद है, रनिंग करे, जॉगिंग करे, वो सबसे दूर हो जाएंगे।